गुड मॉर्निंग। आज बिहार बोर्ड का पांचवा पाठ, इसमें क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे, क्योंकि थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं रिकैप भी कर दूंगा थ्योरी के बारे में, और आइए हम लोग देखते हैं थ्योरी को। तो यहां पर जो क्वेश्चन है ना, पूरा क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर्स लाइन 7/4, यानी 7/4 को हम लिख सकते हैं 1/3/4, यानी यहां पर हम नंबर लाइन लिख लेंगे, यहां 0 लिख देंगे, यहां 1 और यहां पर 2। 3/4 यानी यहां पर 60 डिग्री का एंगल, यहां पर भी 60 डिग्री का एंगल, और इसको 4 भाग में बांटना है, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, 3 1 4, 1 1, 3/4 रेड पेन से हम लोग कर देंगे, बीच में थोड़ी सी ड्रॉवर हो गई थी, सही हो गई। अगला -5/6 है, यानी ए -1 है, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, 6 भाग में इसको बांटना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 1 6, ये भी इधर से -5 गेन, ये वाला -5/6। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का सही तरीका यही है। ऐसे लोग कभी कभी सिखा देते हैं ना, आपको सिखा देंगे, जैसे 7/4 का है, बोलेंगे ये 0 है, ये 1 है, ये वाला 2 है, तो इसको 10 भाग में बांट देंगे, और 10 भाग बांटने के बाद यहाँ 3/4 यानी पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, 7/5 यानी 0.75 को कर देंगे। तो उससे बेहतरीन तरीका इसको सिखाया गया है, इसी ढंग से इसको दिखाना है, ये 0 हो गया और ये -1, इसको 11 भाग में आपको पहले डिवाइड कर देना होगा, तो इसको 10 भाग में इसको काटना होगा और इसको दिखा देंगे। तो हम लोग अभी देख रहे थे बीच में थोड़ी सी कंप्यूटर की प्रॉब्लम और वहाँ सॉफ्टवेयर का, इसके कारण बीच में ब्रेक, लेकिन अब ये है। ऐसे 5 परिमेय संख्या लिखना है जो 2 से छोटा हो, तो 2 से छोटा एक, पहला एक हो गया, 0 हो गया, -1, -2, -3, -4, आप देख सकते हैं। -2/5 और 1/2 के बीच में मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बोल सकते हैं फाइंड द 10 नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो इसके लिए हम पहले बोले थे एलसीएम करते ना, 10 इसकी एलसीएम हो गई,
ये माइनस फोर बाई टेन, और इसको करने के लिए यहां पर फाइव बाई इसको भी टेन। अब इसके बीच में तुम्हारे पास माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, और इस सब में बटे टेन, यहां भी टेन, 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 वन बाई टेन, टू बाई टेन, थ्री बाई टेन, फोर बाई टेन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। अगर ये 10 है तो इसको 10 से हम, ये 10 है तो एक ज्यादा से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 से करेंगे तो यहां पर -44/110 हो जाएगा, 11 बचे 55। और यहां पर अब इसमें बहुत सारे आप लिख सकते हो। अगली प्रश्न है तुम्हारे पास, अगली प्रश्न है तुम्हारे पास, वो ये है कि वहां पर क्वेश्चन नंबर ये है, -2/5 और 1/2 के बीच में 5 निकालना था, बिल्कुल निकल गया। अब इसके इसके बीच में निकालना है, पहले 2/3 और आपको 4/5, 3 5 का एलसीएम 15, और ये 5 बार में होगा तो 10/15, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। अब यहां पर तुम देखोगे कितने निकालना है, 5, 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 से कर दिया तुमने मल्टीप्लाई, वे 6 से करना पड़ेगा यार, तो 10 6 60 हो गए, 15 6 90। यहाँ 6 से करेंगे, 12 6 72 और 15 6 90। अब इसके बीच में 61 यानी 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 आपका वैल्यू ये होते चला गया। अगला है -3/2 और 5/3, एलसीएम 6 हो गया, तो 6 अगर हम लोग करने के लिए यहाँ पर -9/6 लिख सकते हैं, और इसको 6 बनाने के लिए 10/6 लिख सकते हैं। अब इसमें 5 लिखना है तो तुम्हारे पास हो गया ना -8/6, -7/6, -6/6, बढ़ते चले जाएंगे। अगली प्रश्न यही है, 1/4 है, 1/2 है, तो दोनों का एलसीएम 4 हो गया, तो इसको हम लोग 2/4 और इसको हम 2/2 लिख सकते हैं। 5 निकालना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12, और ये बच्चों को 48 हो जाएगा, यहां पर भी 12 24 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकालने थे 2/4, छोड़ी गलती थी। तो यहां पर तुम्हारे पास ये वाला बच्चों को 48 और यहां पर भी 48। अब यहां पर तुम्हारे पास 6 दुनी 12 हुए थे, ये 1/4 ही थे और वो 2/4 थे, तो अब यहां पर ये 6 से गुना किया तो 6 ही हुआ। अब यहाँ 6 से 12 में पहला 7/48, 8/48, 9/48, 10/48, 11/48। इसी ढंग से अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि 2/3 और 4/5, तो 3 और 5 का एलसीएम, वो तो वो भी ऊपर ही बताए थे, वही वाला प्रश्न है। हम लोग पढ़ते हैं आगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम लोग करते हैं। लास्ट वाली 2 क्वेश्चन आपको मिट गई। वो क्वेश्चन है पहला, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखे, लिखा जाएगा। और अगला है 3/5 और 3/4 के बीच में आपको निकालने की बात है, तो वहां पर वो भी आराम से हो जाएगा। तो आप अभी जो चैनल आप देख रहे हैं, ये क्रिएटर सुपर 30 है। क्रिएटर सुपर 30 चैनल का एक ही एम है, वो है बच्चा को। हमने आपको इस वीडियो में, या जो हमने आपको परिमेय संख्या रेशनल नंबर बताया, उसमें हम क्या क्या आपको सिखाए, इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। हमने क्या चर्चा की, व्हाट हैव वी डिस्कस,
पहला हमने चर्चा किया कि परिमेय संख्या जो व्यवकलन और गुणन की संक्रियाओं में के अंतर्गत संबंधित है, इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि परिमेय संख्या के लिए जोग और गुणन की संक्रियाएं क्रम विनिमय साहचर्य क्रम विनिमय है और साहचर्य है, इंग्लिश में कह सकते हो कि द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कॉमुटेटिव फॉर रेशनल नंबर एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। अगला हमने प्रश्न को कहा, वह प्रश्न ये था कि परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य जोग को तस्मक करते हैं, यानी इंग्लिश में तुम कह सकते हो कि द रेशनल नंबर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। चौथा पॉइंट, परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या एक गुणात्मक तस्मक है, यानी द रेशनल नंबर वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। पांच नंबर, परिमेय संख्या ए बाई बी के जोग का प्रतिलोम, यानी क्या जोड़े ताकि जीरो हो जाए, तो माइनस ए बाई बी, इसकी विलोमता भी सही है, वाइस वर्सा, यानी माइनस ए बाई बी रहेगा तो वहां प्लस ए बाई बी हो जाएगा। इसी ढंग से छठे नंबर में हम आपको रेसिप्रोकल के बारे में बताया कि ए बी और सी डी का है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन हो जाना चाहिए। सातवां नंबर में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरक रूल सिखाया कि ए बी सी के लिए ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, ए बी माइनस सी इजकल टू ए बी माइनस ए सी। अगला दिखाया कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है, यानी इंग्लिश में कह सकते हो रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। और लास्ट में हम आपको सिखाया कि दी हुई दो परिमेय संख्या के मध्य अपरिचित परिमेय संख्याएं होती है, दो परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग माध्य को अवधारणा सहायक होता है, यानी हम कह सकते हैं कि बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स गिवन रेशनल नंबर्स देयर आर वहां पर काउंटलेस रेशनल नंबर, द आइडिया ऑफ मीन हेल्प ऑफ द फाइंड ऑफ द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो लेकिन आपको जो हम यहां पर जो पढ़ाया वो इसमें हम बताए थे कि एन प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो यहां पर तुम्हारे पास ये अच्छे ढंग से तुम्हारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोग ने पहला चैप्टर को कर लिया है, ये एजुकेशन का जो चल रहा है। कौन कहता है कि मैथमेटिक्स हार्ड है, अरे मैथमेटिक्स से दोस्ती कर लो, मैथमेटिक्स इजी है। जैसे देखो याद करो, तुम लोग जब साइकिल चलाना सीखा था तो उस समय तुम्हारे मन में आते रहता होगा हार्ड है हार्ड है हार्ड है, अब चलाने आ गया तो बोलो मजा आता है कि नहीं आता है, बोलो सर मजा आता है। उसी ढंग से गणित है, गणित को अच्छे ढंग से पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जैसा हम सिखा रहे हैं वैसा करते रहो, एक समय आएगा कि मैथमेटिक्स तुमको समझ में अच्छे ढंग से आने लगेगा। तो आप लोग को मैं बता दूं ना कि जैसे हमने परिमेय संख्या को पांच वीडियो में कंप्लीट किया 20-20 मिनट 20 मिनट का, वैसी ढंग से प्रत्येक चैप्टर यानी एक चर वाली रैखिक समीकरण, चतुर्भुज को समझना, प्रायोगिक ज्यामिति, आंकड़ों का प्रबंधन, वर्ग वर्गमूल, अनघनमूल, राशियों का तुलना, बीजीय व्यंजक का, स्वर संहिका, ठोस आंकड़ों का चित्रण, क्षेत्रमिति, घातांक और घात, सीधा और प्रतिलोम का समानुपाती, गुणनखंड, आलेखों का परिचय, संख्याओं का साथ खेलना, ये 16 चैप्टर है, यानी 16 × 80 80 दिन में यानी 80 वीडियो में 2020 का आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही काम हम लोग इंग्लिश में करेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को
इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को भी सेम लगेगा, वो उनका भी 80 डेज और 10 दिन की रिपेयरिंग का प्रोग्राम होगा। और आज की सभा, थोड़ा सा मैं आप लोग से सलाह ले लूं, ये 8 क्लास के जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यानी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए हमने बेहतरीन वीडियो को पेश किया है। और एक जो है सीबीएसई का स्पेशल इंग्लिश टू इंग्लिश भी वीडियो बनेगा, जिसमें आईसीएसई बोर्ड का भी बच्चे को फायदा होगा, क्योंकि क्रिएटर सुपर 30 का एक ही एम है, लोगों को फायदा पहुंचाना, लोगों को फायदा पहुंचाना। एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस का एक ही एम है, लोगों को फायदा पहुंचाना। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपको कहता हूं कि अपने देखिए, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने परिवार को बोलिए, सभी लोग को बोलिए कि एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस दोनों मीडियम में लेके आया है, चाहे वो हिंदी मीडियम की बात करें, इंग्लिश मीडियम की बात करें, ये दोनों में लेके आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला टॉपिक नया लेकर के, तब तक